अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है ड्रग एडिक्शन, मनशियात की लत, जिसके हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मैनी में यहाँ आपके लिखते जाऊँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो। और इसके साथ ही हम इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रग एडिक्शन, ड्रग मनशियात, मनशियात एडिक्शन लत आदत, मनशियात की लत। ड्रग एडिक्शन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। ड्रग मनशियात एडिक्शन, मनशियात की लत, मनशियात की लत इज है, मनशियात की लत है। यहाँ पे ये इज शो करवा रहे सिंपल सेंटेंस को। मनशियात की लत है आ एक सीरियस संगीन, एक है संगीन प्रॉब्लम, एक संगीन मसला है। मनशियात की लत एक संगीन मसला है, अफेक्टिंग मुतासिर करता है, अफेक्टिंग मुतासिर करता है इंडिविजुअल्स अफराद को वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में। वर्ल्ड वाइड मीन दुनिया भर में। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि मनशियात की लत एक संगीन मसला है जो पूरी दुनिया में मौजूद अफराद को मुतासिर करता है। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स और अल्कोहल। इट ये अकर्स ये उस वक्त होता है, ये उस वक्त होता है व्हेन जब आ एक पर्सन शख्स, जब एक शख्स बिकम्स हो जाता है या करता है डिपेंडेंट, इन्हसार करता है। वो कहते हैं ये उस वक्त हो जाता है जब कोई शख्स करता है इन्हसार ऑन पर। किस चीज़ पर इन्हसार करता है? सब्सटेंसेस, मादों पर। कौन से मादे? लाइक की तरह, मसलन ड्रग्स। मनशियात हो गई, मनशियात पर इनसार करता है आर या अल्कोहल वगैरह हो गई। तो इस तरह से वो कहता है कि ये उस वक्त होता है क्या, ड्रग एडिक्शन, व्हेन अ पर्सन जब एक शख्स बिकम्स बन जाता है, हो जाता है डिपेंडेंट, इनसार करता है, मुनहसर हो जाता है पर ऑन पर सब्सटेंसेस मादों पर। लाइक किस तरह के मादे हैं? ड्रग्स हो गए जिसमें मनशियात और अल्कोहल या शराब वगैरह हो गई। तो इस तरह से इंसान ड्रग एडिक्शन में शिकार हो जाते हैं। एडिक्शन कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबीइंग। एडिक्शन लत कैन हैव बाइस बन सकती है, बाइस बन सकती है डिवास्टेटिंग तबाहकुन इफेक्ट, तबाहकुन असरात का ऑन पर। किस चीज़ पर? हेल्थ सेहत पर, रिलेशनशिप्स ताल्लुकात पर एंड और ओवरऑल और मजमुई तौर पर वेल बीइंग फलाह बहबूद पर, बहबूद के कामों पर। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि लत बाइस बन सकती है तबाहकुन असरात का, किस चीज़ पर? सेहत पर, ताल्लुकात पर और मजमूई तौर पर बहबूद पर। इट ऑफन बिगिंस विद एक्सपेरिमेंटेशन बट ओवर टाइम द डिज़ायर टू यूज़ दीज सब्सटेंसेस इंटेंसीफाइज। इट ये ऑफन अक्सर, ये अक्सर बिगिंस शुरू होता है,
ये अक्सर शुरू होता है विद के साथ, किस चीज़ के साथ? एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन मीन तजर्बात के साथ। ये अक्सर तजर्बात के साथ शुरू होता है, बट लेकिन, ओवर द टाइम, ओवर के साथ, टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ। वो कहता है कि ये अक्सर तो एक्सपेरिमेंटेशन से, तजर्बात से शुरू होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ द डिज़ायर, ख्वाहिश, ख्वाहिश टू के यूज़ इस्तेमाल की ख्वाहिश जो है, दिस इन सब्सटेंसेस, इन मादों को इस्तेमाल करने की जो ख्वाहिश है, इंटेंसिफाइज, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं कि ये अक्सर शुरू होता है एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, तजर्बात के साथ, बट ओवर टाइम, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, द डिज़ायर, ख्वाहिश टू यूज़ इस्तेमाल करने की, दी सब्सटेंस, उन मादों को इंटेंसिफाइज, बढ़ जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन मादों को इस्तेमाल करने की जो ख्वाहिश है वो तेज़ होती जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। एडिक्शन कैन लेड टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म एज वेल एज लीगल इश्यूज। एडिक्शंस, लत कैन लेड, बाइस बन सकती है, कैन लेड बाइस बन सकती है, लत जो है ये बाइस बन सकती है टू के फिजिकल, जिस्मानी, जिस्मानी एंड और साइकोलॉजिकल, नफसियाती और नफसियाती हार्म, नुकसान का। वो कहते हैं कि लत जो है ये बाइस बन सकती है जिस्मानी और नफसियाती नुकसान का, एज वेल एज के साथ साथ लीगल, कानूनी इश्यूज, कानूनी मसाइल का भी बायस बन सकती है। कहते हैं लत जो है वो बायस बन सकती है फिजिकल, जिस्मानी, नफसियाती नुकसान का, और इसके साथ ही कानूनी मसाइल का भी बायस बन सकती है। ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट आर क्रिशियल इन ओवरकमिंग एडिक्शंस। ट्रीटमेंट, इलाज एंड और इलाज और सपोर्ट, तावुन आर हैं, यहाँ पे ये आर शो करवा रहे हैं सिंपल सेंटेंस को। वो कहते हैं इलाज और तावुन हैं क्रिशियल, अहम हैं इन में ओवरकमिंग, काबू पाने के लिए, ओवरकमिंग मीन काबू पाने के लिए एडिक्शंस, लत को। वो कहते हैं कि इलाज और तआवुन जो है वो बहुत अहम है काबू पाने के लिए लत पर। प्रिवेंशन एंड एजुकेशन, प्रिवेंशन रोकथाम एंड और एजुकेशन और तालीम, रोकथाम और तालीम प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग दिस इशू। प्ले करते हैं आ एक वाइटल, अहम रोल, एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो कहते हैं कि रोकथाम और तालीम एक अहम किरदार अदा करते हैं इन में, किस चीज़ में? एड्रेसिंग, निमटने में, निमटने में, दिस मीन इस इशू, इस मसले से, इस मसले से निमटने के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। क्या चीज़ के अहम किरदार अदा करती है? प्रिवेंशन, रोकथाम एंड एजुकेशन और तालीम, रोकथाम और तालीम एक अहम किरदार अदा करती है। अंडरस्टैंडिंग द डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शंस इज इसेंशियल टू क्रिएट अ हेल्दियर एंड ड्रग फ्री सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग, समझना, द डेंजर्स, खतरात से, खतरात को समझना, ऑफ के ड्रग मंशियात के, एडिक्शन मंशियात की लत के, इज है इसेंशियल, अहम है। वो कहते हैं कि समझना किस चीज़ को? मंशियात के खतरात जो है, मंशियात की लत के जो खतरात हैं वो अहम है टू के क्रिएट, पहले
पैदा करने के लिए आ एक हेल्दियर, एक सेहतमंद एंड और ड्रग फ्री मीन मनशियात से पाक सोसाइटी मुआशरा, मनशियात से पाक मुआशरा बनाने के लिए, कायम करने के लिए। वो कहते हैं कि मनशियात की लत के जो खतरात हैं उनको समझना ज़रूरी है पैदा करने के लिए या बनाने के लिए एक सेहतमंद और मनशियात से पाक माशरा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।